नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल के साथ सहजन। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट भी बनता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सहजन को काट कर छील लिए थे और उसके छिलके से ही हम चार चार पीस लेकर इस तरह से बांध दिए हैं ताकि ये टूटेगा नहीं। और इस दाल को हम धो लेते हैं और इसे भी धो लेते हैं। गरम कुकर में हम डालेंगे एक चम्मच तेल। गरम तेल में एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे, एक हरी मिर्च डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम अपने दाल को इसमें डाल देते हैं जिसे हम धोकर रखे थे। दाल हमारा भून गया है, अब हम इसमें सहजन को डाल देते हैं। हल्का सा इसे भूनेंगे। जिस कप से हम दाल लिए थे उस कप से 3 कप पानी ले लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और कुकर को बंद कर देंगे। 2 व्हिसिल आने तक इसे हम पकने देंगे। कुकर में 2 व्हिसिल आ गई है, कुकर को हम ठंडी होने देते हैं। गैस ऑफ कर दिए हैं। कुकर हमारी ठंडी हो गई है, इसे हम खोल लेते हैं और देखिए दाल हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। और सहजन को हम इसलिए बांधे थे क्योंकि वो टूटे ना, क्योंकि हमारी सहजन अभी छोटी छोटी थी। अगर मोटी होती तो हमें बांधने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो अब हम इसमें एक तड़का लगा देते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे, कढ़ाई गर्म है, तेल गरम हो गया है। 1 पिंच हींग डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है। 1/4 से भी कम काला जीरा डाल देते हैं जिसे कि कलौंजी बोलते हैं। 1 सूखी लाल मिर्च और इस दाल को इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए खौलने देंगे, उसके बाद दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम दाल को सर्व कर देंगे। इसे आप नाश्ते में, खाने में, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।